संघर्ष को लेकर पंचकुला पुलिस पहले ही सतर्क हो गई है। बता दें कि पंचकुला पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार नववर्ष के उपलक्ष्य पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शरारती तत्वों और हुड़दंग मचाने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी इस दौरान सख्त कार्रवाई के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, ताकि आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े और कोई भी कानून व्यवस्था को खराब न कर सके। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहर में इस दौरान 36 पुलिस नाके लगाए जाएंगे, जिसमें 10 ड्रिंक एंड ड्राइव के स्पेशल नाके लगाए जाएंगे और इसके अलावा पुलिस की 19 इमरजेंसी व्हीकल, 11 PCR, 25 QRT, 24 पुलिस राइडर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की दुर्गा शक्ति की एक टीम तैनात रहेगी, जो करीब 300 पुलिसकर्मी नववर्ष के उपलक्ष्य पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा संबंधित थाना की टीम द्वारा अपने अपने अधीन क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग और गश्त की जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 स्पेशल ड्रिंक ड्राइव के तहत नाकेबंदी और चेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी इस दौरान चेकिंग करते नजर आएंगे। वहीं पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह की माने तो नववर्ष के उत्सव पर सेफ एंड सिक्योर को लेकर पुलिस की लगातार निगरानी रहेगी, ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।